Who has threatened you? Threatening is there. By whom? By this report from the statute, from the SIT, that somebody may kill. एक कहानी सुनिए आप, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम की कहानी, जिसने रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाने वाले को करोड़ों का मालिक बना दिया। कहा जाता है कि इस आदमी ने एक डांस बार में एक बार डांसर पे 90 लाख रुपए उड़ा दिए, रातों रात उसको देश की सबसे अमीर बार डांसर बना दिया। इस आदमी के नीचे 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स काम करते थे और इसने 18 राज्यों में 52 बिल्डर्स, 48 बैंक्स और 61 कंपनियों को अपना क्लाइंट बना रखा था। जी हाँ, ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी के उस स्कैम की, जिसने पूरे इंडियन जुडिशरी को हिला कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। स्कैम 2003 नाम की एक वेब सीरीज आ रही है। अब ये 2 साल पहले आई स्कैम 1992 की ही दूसरी इंस्टॉलमेंट है। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी को प्रतीक गांधी जैसे नॉट सो फेमस फेस के साथ देश भर में चर्चा का विषय बना देने वाले हंसल मेहता ने अपने कंटेंट का लोहा मनवाया है। ये कहानी में इतना घुस जाते हैं कि एकदम चीरफाड़ कर देते हैं। स्कैम अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुका है जो इंडियन OTT के टॉप फ्रेंचाइजीज में एक है। इसने सोनी लिव के व्यूअरशिप बढ़ा दिए, हर्षद मेहता की कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया और अब इन्होंने उठाया है अब्दुल करीम तेलगी का केस। इस आदमी ने देश में एक ऐसा यूनिक तरह का स्कैम किया जिससे देश को 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ऊपर जो आपने वीडियो देखी, ये वही अब्दुल करीम तेलगी हैं जिसकी गिरफ्तारी ने कई सारे पॉलिटिशियंस की पोल खोल कर रख दी। ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट था कि अपनी गिरफ्तारी के टाइम भी इसने कहा था कि मेरी तरह और भी लोग आते रहेंगे। अभी भी हो रहे, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है। Only persons have changed. Business is same. 1961 में एक लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तेलगी बचपन से ही कई दिक्कतें देखकर बड़ा हुआ। इसके पिता एक रेलवे के 4th grade कर्मचारी थे। यंग एज में ही डेथ के बाद उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। नतीजा ये हुआ कि इसे बैंगलोर के रेलवे स्टेशन पर फ्रूट का स्टॉल लगाना पड़ा। लेकिन तेलगी के अंदर पैसा कमाने की भूख थी, ये मुंबई आ गया। एक आलसी होने की वजह से ये किसी भी जॉब में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 1991 में जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसकी गिरफ्तारी हुई। वहां इसकी मुलाकात एक और घोटालेबाज राम रतन सोनी से हुई। उससे इसने स्टैम्प पेपर्स का पूरा धंधा सीखा, जिसके बाद से इसने फेक स्टैम्प पेपर्स का वो घोटाला कर दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि RBI ने मजबूरी में ही सही, लेकिन ये फैसला लिया कि अनजाने में इसके फेक स्टैम्प के कागज लेने वाले सभी लोगों के पेपर्स लीगल होंगे। तो ये घोटाला था क्या? दरअसल इस घोटाले में जाली नोट की जगह जाली स्टैम्प पेपर्स इन्वॉल्व है। इसने हर लीगल अग्रीमेंट पर लगने वाले सरकारी स्टैम्प की फेक कॉपीज बनाई और देश भर में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया। कई जगह इसको 1,00,000 करोड़ का भी आंकड़ा कहा जाता है। इसके बारे में कहानियां बड़ी फेमस हैं। एक कहानी तो एक बार डांसर की है, जहां पर मुंबई के एक टोपाज बार में डांस करने वाली एक बार डांसर पर उसने 90 लाख रुपए उड़ा दिए। कहा जाता है ये उससे प्यार में पड़ गया था और एक रात बिताने के लिए उसने 93 लाख रुपए देने का ऑफर किया था। इस टीजर के एक फ्रेम में शायद वही बार डांसर दिखाई भी गई है। उसकी इसी अय्याश मिजाजी की वजह से उसे एड्स भी हुआ, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया। इस स्कैम के खुलासे में पता चला कि सबसे पहले इसने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से घूस के जरिए स्टैम्प पेपर्स के लाइसेंस हासिल किए, इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बनाई। वहां उसे पता चला कि ये प्रेस अपने कुछ खराब हो चुकी मशीन्स का ऑक्शन करती है, वहां से उन्हें कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे बनाए जाते हैं। नासिक में हुए एक ऐसी ऑक्शन में इस आदमी ने अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया, कुछ ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए, ऑफिशियल स्टैम्प डाइज हटवाए बिना 1 दर्जन से ज्यादा मशीन्स खरीदी, यहां तक कि इंक भी वही इस्तेमाल की। देश भर में कई सारे फेक स्टैम्प्स के अग्रीमेंट किए, क्योंकि वो देखने में एकदम असली लगते थे तो पकड़ में ही नहीं आते थे। ऐसा करते हुए इसने पूरे भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाया। कहा जाता है कि ये पुलिस के कई अधिकारियों को भी पैसे पहुंचाता था। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर बैंगलोर में फेक स्टैम्प्स का एक ट्रक पकड़ा जाता है। वहां से अब्दुल करीम तेलगी की पोल खुलती है और ये फरार हो जाता है। जांच SIT को दी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के पास ही गिरफ्तार होता है। इसी बीच इस केस में इन्वॉल्व एक अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। जांच CBI को दी जाती है, जहां इसके 120 बैंक अकाउंट्स का खुलासा होता है। इसने खुद बताया कि इसके पास खुद कितना पैसा है इसे खुद नहीं मालूम, ये बोरे में भरकर अपना पैसा रखता था। CBI ने जब इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया, तब इसने कई नेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स और ब्यूरोक्रेसी के लोगों का नाम उगला। 2006 में फाइनली इसको जेल होती है और 2017 में ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से जेल में ही मर जाता है। कोर्ट में इसका वकील कहता है कि उसके क्लाइंट की मौत नेचुरल नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या तेलगी और भी लोगों के नाम लेने वाला था? इस स्कैम का ग्राफ इतना भयंकर था कि 10 साल में इस आदमी ने इतने स्टैम्प पेपर्स दिए थे जिसकी गिनती करना असंभव था।
कई सारे अग्रीमेंट्स नल एंड वॉइड हो जाते और पूरा जुडिशियल सिस्टम हिल जाता। अब ये पूरी कहानी को स्कैम 2003 नाम के इसी वेब सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा। देखना बस ये है कि क्या ये फर्स्ट सीजन जितना एंगेजिंग होगा, क्योंकि इसे भी हंसल मेहता ही बना रहे हैं। वैसे इसके टीजर में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस एक डायलॉग है कि पैसे कमाए नहीं बनाए जाते हैं। BGM भी वही पुराना वाला है, लेकिन क्योंकि स्कैम जैसी फ्रेंचाइजी इसमें इन्वॉल्व है तो स्टोरी की डेप्थ को जरूर नापा गया होगा। ऐसे में इसके ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है ये जानने के लिए कि कितनी गहराई तक इस केस में जाया जाएगा। अब्दुल करीम तेलगी का रोल गगन देवरियार निभा रहे हैं। क्या प्रतीक गांधी की तरह ये भी उतने फेमस होंगे? खैर वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये टीजर आपको कैसा लगा, या फिर आपने तेलगी की कहानी पहले सुन रखी है या फिर हमसे ही सुन, कमेंट करके जरूर बताइएगा और स्क्रीन वाला को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।